जी हाँ, मैं बना MLM का 14, क्योंकि मेरा खुद का ब्रेन वॉश हो गया जब से नेटवर्क मार्केटिंग की चीजें एफिलिएट मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग बनके मेरे सामने आ रही थी, और मुझे बोला गया कि मुझे कोई ज्वाइनिंग फीस भी नहीं देनी और मैं घर बैठे बैठे सिर्फ अपने स्मार्टफोन का यूज करके बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ, ऑडी मर्सिडीज ले सकता हूँ। ये स्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मैंने अपने एक दोस्त की इंस्टा आईडी ली थी। दोस्त की इंस्टा आईडी इसलिए क्योंकि MLM के ग्रुप्स में अब ये बात फैल चुकी है कि यूट्यूबर्स उनके ऊपर प्रैंक्स कर रहे हैं, उनकी कॉल्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसीलिए इन्होंने हर न्यू बिगिनर के प्रूफ लेने शुरू कर दिया उनकी इंस्टाग्राम आईडी से। फिर मैंने इनकी इंस्टा आईडी पे पड़ा गूगल फॉर्म भरा, जिस गूगल फॉर्म को देखे बड़े प्रोफेशनल बनते हैं। अबे 5 मिनट लगती है ऐसा गूगल फॉर्म बनाने में। इस गूगल फॉर्म में आपका मोबाइल नंबर और एक दो ऊंची नीची डिटेल्स मांगते हैं आपसे। जैसे ही मैंने गूगल फॉर्म भरा और इसमें अपना नंबर डाला, 10 मिनट बाद ही मुझे पहला कॉल आ गया। हाँ, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ एक्चुअली, मैं समझ नहीं पाया था कि एक्चुअल ये बिजनेस है क्या पूरा टोटल ना। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मींस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। या उसी का बिजनेस है और उसी से इतने लोग अर्निंग कर रहे हैं आज। ओके, तो उन्होंने तो गाड़ी भी बुक कर ली। आपने गाड़ी कौन सी? स्विफ्ट गाड़ी अभी बुक की है, और हमारे जो बड़े सर उन्होंने मर्सिडीज बुक की है। मर्सिडीज, हाँ, क्योंकि हाँ वो दिखा रहे थे जूम में, तो वो दिखा रहे थे ऑडी दिखा रहे थे जब जूम कॉल चल रही थी तब। तो वो नहीं, वो तो उनके करे, उनको लेके तो 6 महीने हो गए इस बिजनेस में। अभी एक मर्सिडीज आई है और अभी 2 स्विफ्ट आ रही है कल। अच्छा, मतलब बिजनेस में बहुत है। उनकी उम्र क्या 19-20 साल के रहती है यार सब। अच्छा, 19-20 साल के। मैं तो एक्चुअली, मुझे तो यार पजेरो का शौक है, मैं ऑडी मर्सिडीज से भी ज्यादा मैं पजेरो चाहता हूँ। हाँ यार, तो फॉर्च्यूनर का मर्सिडीज इसमें हमारी चलती नहीं। अच्छा, फॉर्च्यूनर मिल जाएगी? अच्छा, ब्लैक कलर मर्सिडीज रेड कलर से लेने जाऊँ। ओके, और जो दिखाया था ना प्रेजेंटेशन में ऑडी A3 थी, वो 43 लाख की कैश में ली थी हमारे लीडर। तो इतनी अर्निंग कितने टाइम में हो जाती है कि ब्लैक कलर में फॉर्च्यूनर आ जाए? यार फॉर्च्यूनर आ जाए तो आप 1-2 साल में भी निकाल सकते हैं। हमारे सर ने देखो ना, 45 लाख 1 साल के इनकम है, 80-90 हजार रुपए। और बाकी की इंडस्ट्री, यानी कोई इंडस्ट्री ऐसा नहीं है ना जो 1 लाख रुपए पर मंथ दे। आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, आपको सीधा की सीधा 1 लाख फर्स्ट मंथ या फिर सेकंड मंथ में या फिर फर्स्ट ईयर नहीं लगती ना। मैं भाई सच में बताऊं यार, आप इतना फ्रेंकली बात कर रहे हो, मैं रिश्तेदारों से इतना फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं चाहता हूँ पैसे कमा के मुंह में मूत दूं उनके। नहीं, यही है बहन जो दिमाग खराब रखते हैं भाई की शादी नहीं होगी तेरी, ये नहीं होगा। मैं चाह रहा हूँ मुंह में मूत दूं उनके, दो दो शादी करूँ बहन जो, लड़की साइड चिक्स भी रखूँ आराम से, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि इस बिजनेस में पोटेंशियल है। हाँ यार है, सच में, इसलिए तो मैंने चूज किया ना इसको। नहीं तो एज क्या नहीं है यार, लोग बच्चे इस बिजनेस से कमा रहे थे, हमें क्या दिक्कत, ट्राई करने में क्या जाता है 1-2 साल के लिए, क्या हम दूसरे इंडस्ट्री में करने वाले कुछ। वही दूसरे इंडस्ट्री में क्या है यार, गांड देते रहो बॉस को, ये तो यहाँ पे तो ऐसा है कि अपना मालिक खुद। अच्छा अच्छा, तो कोट वोट पहन के बैठना पड़ेगा ब्रो, या ऐसे ही बैठ सकते? जो अमीर लोग होते हैं कोट पहनते हैं मोस्टली। हाँ, क्योंकि मेरे को लग रहा था यार, एक तो कोट है नहीं, ऊपर से गर्मियाँ चल रही हैं। अच्छा अच्छा, अरे उस दिन मैं जूम मीटिंग में बैठा था ना ब्रो, वहाँ पे जूम मीटिंग में बैठा था, एक अंकल बहन के लबड़े सोने लग रहे बहन चोद उसमें मीटिंग में। अच्छा, तो मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा इतनी बढ़िया बातें चल रही है, क्या मांचो दोबारे अपनी। उनको भी मीटिंग वगैरह, और कुछ दिनों में हम आपको ऐसी ट्रेनिंग देंगे कि आप खुद मीटिंग दे सको। मैं भी मीटिंग ले पाऊंगा, आप भी देता होगी भाई, मोहल्ले में गदर मचा दूंगा मोहल्ले में पूरे में। बहुत बड़ी कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, सबसे बड़ी। अच्छा अच्छा, एक फॉरएवर लिविंग वाले थे, वो भी मुझे बोल रहे थे, क्या ये दोनों एक ही है कंपनी? तो वो भी पहले फॉरएवर में थे 3-4 महीने। अच्छा, तो कौन सी अच्छी है इन दोनों में से? वेस्टीज है ना, क्योंकि फॉरएवर छोड़ दी उन्होंने, फिर इधर आई थी वेस्टीज। फॉरएवर में 30,000 से ज्वाइनिंग होती थी सीधा, और यहाँ पे 3,000 से होती थी। तो ये था कि उधर जो प्रोडक्ट थे ना एलोवेरा वाले थे, तो लोग लेते नहीं थे एलोवेरा, कौन लेगा बस, यहाँ पे तो हेयर ऑयल। एलोवेरा तो हमारे यहाँ छत पे ही उग रहा है, वहीं से ही तोड़ के लगा लेंगे हम, क्यों प्रोडक्ट खरीदेंगे फॉरएवर वालों के? हम तो पहले पैसे कमाते, फिर लोग बाकी। वही भाई, पैसा होगा तो फिर चाहे रशियन भी ले आओ। ठीक है यार, मतलब मैं इम्प्रेस हो गया यार आपकी सोच से। हाँ, पूरा सपोर्ट रहेगा ब्रो, मैं तो मेरे अंडर में बहुत ये कर रहा हूँ, सर ने हमें किया, हम दूसरों को कर रहे हैं अभी। वही एकदम, मतलब मेरे को लगा कि आप मिसोजिनिस्ट टाइप हो। बहुत से लोग यार, मेरे को तो लगा कि सर भी जो वो थे उस दिन लेक्चर दे रहे थे, कौन दे रहे थे, वो भी मिसोजिनिस्ट टाइप है। हाँ, तो मतलब मैं काफी इम्प्रेस हुआ कि यार पूरी इंडस्ट्री में मिसोजिनिस्ट हैं सब, तो आइडल बना लेना चाहिए किसी को। अच्छा, वाइब्रेटर मिल जाएगा और वहाँ पे जैसे साबुन और उसके साथ? नहीं, वो नहीं मिलेगा। ओके ओके,
ठीक है ब्रो। मैंने 3 MLM के चौदों के गूगल फॉर्म्स में अपना नंबर दिया था। उसमें से पहले बंदे ने तो मुझे बिजनेस समझाने के नाम पे प्री रिकॉर्डेड जूम मीटिंग का अनलिस्टेड लिंक चेप दिया। बाकी 2 लोगों ने मुझे अपकमिंग जूम मीटिंग के लिंक सेंड किए और साथ में जूम मीटिंग का लिंक सेंड करते हुए ये भी बोलते हैं कि बस फ्यू सीट्स लेफ्ट, बस आप ही के लिए फ्री में अरेंजमेंट कराया, वरना हमारी जूम मीटिंग को अटेंड करने का भी पैसा लगता है। तो जो मेरे पास जूम मीटिंग लिंक्स आए थे उनमें से जोन सी मीटिंग सबसे जल्दी शुरू होने वाली थी, मैं अपना OBS सेटअप करके उसमें घुस गया। वहां पे इनके कोई बहुत बड़े सर इनके अकॉर्डिंग ओडी मर्सिडीज की बातें करते नजर आ रहे थे स्टार्टिंग से ही। ये जूम मीटिंग्स इनके बकरों को ब्रेन वॉश करने का इनिशियल स्टेप होता है। इन जूम मीटिंग्स को ये वेबिनार बोलते हैं और जब लॉकडाउन नहीं था तब सेमिनार होते थे। इस मीटिंग में मैं देख पा रहा था कि ज्यादातर जो लोग थे वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे और हम सब लोगों के माइक म्यूट थे, क्योंकि अगर ये हम लोगों को बोलने का मौका देते थे तो पक्का कोई ना कोई आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ लेता और इन लोगों की गैंड फट जाती। और लोअर मिडिल क्लास लोग छोड़ो, इसमें कई लोग साफ साफ दिखाई दे रहे थे कि वो बहुत लो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से हैं। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अभी तक बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी तक सेटल डाउन नहीं हुए। दोस्तों यहाँ पे आने वाले 40 मिनट के लिए किसी ऐसी जगह पे जाके बैठ जाइए जहाँ पे आने वाले 40 मिनट आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। इनकी ये जूम मीटिंग्स 40 मिनट इसलिए नहीं चलती कि इनके सर को और भी बड़े बड़े काम होते हैं या इन लोगों को और भी जगह जाना होता है, नहीं। एक्चुअल में जूम के फ्री वर्जन में मीटिंग की लिमिट ही 1 घंटा होती है और इनके पास जूम का प्रीमियम वर्जन खरीदने के पैसे नहीं है, ना इन बड़े बड़े बिजनेसमैन की औकात है। मैं एक्चुअल में इनकी मीटिंग में अपना वीडियो कैमरा भी ऑफ करके बैठा हुआ था। ये जो साइड में मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है ये मेरे OBS के वेबकैम की है, क्योंकि मेरी जूम मीटिंग में तो DP। क्या पैसों से प्यार खरीदा जा सकता है? हम अपने कॉलेज के पार्किंग में गए, देखा, हमने देखा कि जिनके पास में पैसा था दोस्तों उनको प्यार मिल रहा था और जिनके पास में ज्यादा पैसा था उनको बदल बदल के प्यार मिल रहा था। ये बंदा 1 टेक में ऐसी रटी रटाई बातें बता रहा था जैसे छोटा बच्चा ABCD याद करता है। मतलब समझ आ रहा था कि सेम स्क्रिप्ट परफॉर्म कर करके ये प्रो बन चुका था नए नए बकरों के सामने। मम्मी को पूछा करते थे ये बड़ी गाड़ी किसकी है मम्मी, तो मम्मी बोलती थी कि बेटा ये किसी बिजनेसमैन की है। जब भी किसी का बड़ा सा घर देखते थे तो मम्मी को पूछते थे कि मम्मी ये बड़ा घर किसका है, तो मम्मी बोलती थी किसी बिजनेसमैन का है। जब भी कभी भी किसी को जिंदगी अच्छे से जीते हुए देखते थे तो मम्मी पापा से पूछते थे कि मम्मी पापा ये लोग कौन है, तो मम्मी पापा बोलते थे बिजनेस वाले लोग है। यहाँ इनके बड़े सर ने 10 मिनट बाद ही बिजनेस करना शुरू कर दिया, अपने इस काम को बिजनेस बताना शुरू कर दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जो लोग मैंने तुम्हारी जूम मीटिंग में देखे उनमें से कोई तो सो रहा था, कोई नशे में बैठा था, कोई क्रिकेट खेल रहा था, कोई किसी मकान की चिनाई में लगा हुआ था, कोई दूध पी रहा था, कोई नाक में उंगली दे रहा था, ऐसे लोगों में तुम्हें कौन सा बिजनेसमैन बनने की पोटेंशियल नजर आ रही है? और जो तुम एंटरप्रेन्योर बताते हो भाई, जब किसी चीज का GST नंबर नहीं है, जब तक तुम अपने काम को ट्रैक नहीं कर सकते वो बिजनेस कैसा हुआ? मैं सेल्समैन बोलते हैं उसको, बिजनेसमैन नहीं, चुत्तड़। और एक वो मोटिवेशनल स्पीकर कम MLM का 14 वो यूट्यूब पर ज्ञान चोदता है, उसके बाद अपने कोर्स बेचता है। क्या बोल रहा है कि मैं 2030-2035 तक आधे से ज्यादा लोगों को अपना कोर्स बेच बेच के अमीर बना दूंगा। अबे चूत के पट्ठों, एक सीधा सा लॉजिक है, अगर देश और दुनिया में सब लोग अमीर हो जाए ना तो कोई भी अमीर नहीं बचेगा। देश में दुनिया में करेंसी का जो नंबर होता है ना वो लिमिटेड होता है। जब एक आदमी के हाथ से पैसा निकलता है ना तब वो दूसरे आदमी के हाथ में पहुंचता है। तो जब तू देश की आधी जनसंख्या को अमीर बनाएगा तो उनको क्या नोट गांड से पैदा करके देगा अपनी? इन लोगों के वीडियो प्रूफ्स है मेरे पास जहां पे ये नॉनसेंस प्रॉमिसेस कर रहे हैं लोगों से, इजीली कंज्यूमर कोर्ट में जाके इनके ऊपर केस हो सकता है। लेकिन खैर फिलहाल तो मैं क्यों करूं जब तक मेरे ऊपर कोई बात नहीं आ रही। जिन लोगों का ये चूतिया काट रहे हैं मैं तो उन्हें कह रहा हूं भाई जाके केस कर दो। अगर ये कोई कोर्स बेचते हुए तुम्हें बिजनेस ज्वाइन कराते हुए कोई भी गारंटी दे रहे ना अपनी, उस चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट लो और जाके केस कर दो। फेक प्रॉमिसेस भाई कोई भी ब्रांड या कोई भी बंदा नहीं कर सकता खुद को ज्वाइन कराने के लिए, अपनी कोई चीज सेल करने के लिए। गरीबों के पैसों के ऊपर ना तुम अपना बिजनेस बना रहे हो, गरीब लोगों को उनके सपने बेच रहे हो तुम। जिन लोगों से एक बेसिक जूम ऐप चलानी नहीं आ रही, जिन लोगों को तुम्हारे सो कॉल्ड वेबिनार में बैठना नहीं आता, तुम्हें उन लोगों में कौन सी पोटेंशियल नजर आ रही है? एक अच्छे खासे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट को कंपनी से निकाल देते हैं, एम्प्लॉय तक नहीं रखती कंपनी अगर वो इंटरव्यू में थोड़ा इधर उधर परफॉर्म कर दे। और तुम मुश्किल से 10वीं 12वीं पास लोगों को, जिन लोगों को एक ऐप चलानी तक नहीं आती, उनको एंटरप्रेन्योर बनने के सपने बेच रहे हो। बिजनेसमैन छोड़ दे, अगर वॉचमैन की भर्ती में भी 12वीं पास की रिक्वायरमेंट आ जाएगी ना तो इनमें से आधे लोग वहां भी फेल हो जाएंगे। लेकिन तुम लोगों के लिए ऐसे ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं वो परफेक्ट बकरे होते हैं, क्योंकि उनके सपने ही वैसे होते हैं। वो बड़े बड़े सपने देखते हैं, उनको लगता है कि सीरियल में जैसे बैग उठा के कोट पहन के चल दिया घर से बाहर ये बोल के कि ऑफिस जा रहा हूं, तो ऐसे ही करोड़पति बन के घर वापस आ जाते हैं। सूर्यवंशम जैसी मूवी देख के उनको लगता है कि भानु प्रताप ने जैसे एक बस से पूरी बस की कंपनी चालू कर दी थी, वो भी घर बैठे हुए एक स्मार्टफोन से करोड़पति बन जाएंगे। और ऐसे ही लोगों के सपनों के ऊपर तुम अपना बिजनेस सेटअप कर दो, 20-30 हजार कोई अपनी ज्वेलरी बेच के, कोई लोन लेके, कोई अपनी थोड़ी बहुत सेविंग्स देके तुमसे कट जाता है। और उसके बाद जब वापस मांगने का टाइम आता है
तू, या तो तुम उनका बहुत बड़े तरीके से ब्रेन वॉश कर चुके होते हो, या वो लोग हार मान चुके होते हैं कि उनका पैसा कभी वापस नहीं आने वाला एंड इट्स टाइम टू मूव ऑन, और बस यही तुम्हारी ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है नए नए लोगों के साथ। हाँ भाई, किसने बोला है मच्छर के काटने से हुआ था और लड़की की लव बाइट देने से नहीं हुआ? बहुत सारे ऐसे होटल है जो कभी खुले ही नहीं, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट है जो कभी खुले ही नहीं, बहुत सारे ऐसे स्कूल है जो कभी खुले ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है जो कभी खुले नहीं, और मुझे नहीं पता कि वो कब खुलेंगे। यहाँ तक ये सो कॉल्ड जूम वेबिनार आधे घंटे का बीत चुका था, लेकिन अभी तक सिर्फ इधर उधर की बातें पेल रहा था ये, कि आप कैसे खुद से पैसा नहीं कमा सकते, कैसे आप बहुत बेकार लाइफ जी रहे हैं, कैसे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सबसे खराब है, और कैसे आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते इसके बिना। और दुनिया में अगर इस टाइम पे कोई पैसा कमा रहा है लॉकडाउन में, तो ये कमा रहा है, और जो लोग इसके साथ लगे हुए हैं सिर्फ वही कमा पा रहे हैं। लेकिन कैसे कमा रहे हैं, अभी तक आधा घंटा बीत चुका था, ये बातें नहीं हुई थी। और यस दोस्तों, आपको मैं इनवाइट करता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के एक नए प्रोजेक्ट के अंदर में। आने वाले दिनों के अंदर में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो फ्यूचर बनने वाला है सारे दुनिया का। और एंटरप्रेन्योर जूम मीटिंग के 35वें मिनट में ये बंदा हमें फ्यूचर एंटरप्रेन्योर प्रूव कर चुका था, वो भी ऐसे लोगों को जिनमें से आधे लोग कभी स्कूल के पीछे तक भी नहीं गए होंगे। आप इनको जानते होंगे, बिल गेट्स बोलते हैं जिंदगी में कभी भी जीरो से शुरुआत करने का मौका मिलेगा तो मैं डायरेक्ट सेलिंग को चूज करूंगा। हाँ, बिल गेट्स इन्हीं के तो कानों में बता के गया था पर्सनली। बिल गेट्स का एक CNN के साथ इंटरव्यू है मेरे पास, जहां उनसे पूछा गया था अगर आज आप 21 साल के होते या आपके पास ये माइक्रोसॉफ्ट ना होता, मतलब आपका प्रेजेंट बिजनेस ना होता, तो आप क्या करते, आप लोग खुद ही सुन लो। सो इफ यू वर 20 इयर्स ओल्ड टुडे एंड यू वांटेड टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी, ड्रॉप आउट ऑफ हार्वर्ड, व्हाट कंपनी और व्हाट एरिया वुड यू वांट टू स्टार्ट इट इन? वेल, दिस इज अ great time to be doing innovation because the tools of innovation are so much better. There are lots of things in biology that are very interesting. There are lots of things in energy that are interesting. Given my background, I would start an AI company that whose goal would be teach computers how to read. MLM के चौदों अब अपनी business presentation में से Bill Gates वाली ये line, ये quotes हटा देना कि उसने कहा था कि मैं network marketing join करता अगर 21 साल का होता है, zero से start करता। ठीक है, तुम्हें proof दे दिया, research तो तुम्हारे करनी बस की है नहीं, खुद से तुम्हारे किसी सर ने बताया होगा, आगे तक चल रही है अभी बात। तुम्हारे बड़े पिताजी ने तुम्हें proof दे दिया, क्योंकि अगर Bill Gates को पता चल गया ना कि इंडिया में उसके नाम से network marketing promote हो रही है और ये सब चीजें हो रही है, भाई वो बेचारा खुद depression में चला जाएगा। आपको मैं बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी को आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर में कॉमर्स बैकग्राउंड के अंदर में नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री आ चुकी है, नेटवर्क मार्केटिंग की डिग्री आ चुकी है। समझदार आदमी, पहली बात तो वो DU में डिग्री नहीं है, डिग्री कोर्स की मिलती है, वो लेसन है। ठीक, और दूसरी बात, जो ये सारे नेटवर्क मार्केटिंग वाले बड़े छात्र ठोक के DU करते हैं ना अपने आप को लेजिट प्रूव करने के लिए, क्या दिखाया इन्होंने, सब्जेक्ट है कॉमर्स, लेसन है नेटवर्क मार्केटिंग, कोर्स डेवलपर कौन है, रोमिला अग्रवाल और रूपा जोहरी। रूपा जोहरी मैम को मैंने ईमेल किया, मैंने बताया कि कैसे उनका ये एक चैप्टर का फोटो लेके, नेटवर्क मार्केटिंग के एक चैप्टर का फोटो लेके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नेटवर्क मार्केटिंग वाले अपने आप को लेजिट प्रूव करने में, अपने प्रोफेशन को लेजिट प्रूव करने में लगे हुए हैं। मैंने ईमेल करवाया था उनको, उन्होंने रिप्लाई बैक किया कि ये जो चैप्टर है वो बीकॉम ओनर्स की बुक में डाला गया है, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के पेपर से लिया गया है, और उसी चीज के कॉन्टेक्स्ट में चैप्टर डाला गया है। तो ये किसी भी बिजनेस को या नेटवर्क मार्केटिंग वाले को अथॉरिटी नहीं देता अपने आप के जस्टिफिकेशन के लिए इस चीज को यूज करने की, समझ आ गया? तो भैया नेटवर्क मार्केटिंग वालों, बिल गेट्स और DU के उस चैप्टर को अब अपनी प्रेजेंटेशन में से निकाल दो, क्योंकि बड़े पिताजी ने तुम्हें प्रूफ दे दिया है, और भी बहुत सारे प्रूफ है, धीरे धीरे सारी प्रेजेंटेशन खारिज कर दूंगा मैं अगर पीछे पड़ गया तो। तुम्हारे बस की तो है नहीं रिसर्च या क्रॉस चेक करना, ऊपर से कुछ भी गू तुम्हारे दिमाग में डाल दिया, बस उस गू को लेके अपने सर्फ साबुन बेचने चल दिए। वी हैव 33 सर्टिफिकेशंस और टेस्टिंग रिपोर्ट, जहां पे 99.99% कोविड के जो जीवाणु है जिनको खत्म करता है हवा में फैलने से पहले वो खत्म कर देता है। और अगर आपके घर में किसी को दमा अस्थमा या कोई बच्चा आपके घर में या फिर आपका ऑफिस है जहाँ पे लोगों का आना जाना है, मैं आपको हाईली रिकमेंडेड करूंगा। और अगर आपके घर में कोई कोविड पेशेंट है या फिर हो चुका है या फिर कोई सिम्टम्स है, मैं हाईली रिकमेंडेड करूंगा कि इसके अंदर में आपके ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज किया जाता है। आज मेरे घर में भी लगा हुआ है, लास्ट में आपको जाते जाते दिखाऊंगा। ओ भाई, मैं WHO से और मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से कहना चाहूंगा, और मैं ट्विटर पर जाकर ट्वीट भी करूंगा इनकी ये वीडियो डाल के, कि ये कंपनी क्लेम कर रही है कि इनकी कंपनी का ये प्रोडक्ट 99.99% कोरोना को खत्म कर देता है और ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ा देता है लोगों का। हाँ, गवर्नमेंट चूतिया है ना, जो वैक्सीन पे इतना ज्यादा जोर दे रही है। वैसे तो ये एक नंबर के गंवार है, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है वैसे, लेकिन अगर तुम थोड़ी बहुत पढ़ाई करना जानते हो तो WHO की गाइडलाइन है कि आप उनके लाइसेंस के बिना
किसी भी प्रोडक्ट को कोरोना की क्योर कह के नहीं बेच सकते। लोगों की हेल्थ है, मजाक नहीं है, लेकिन इनको लग रहा था कि हमारे जूम मीटिंग कौन सा पढ़े लिखे लोग देखते हैं, इनका ही तो चूतिया काटना है। तो इन्होंने जूम मीटिंग खत्म होते होते ये हल्का सा इशारा भी दे दिया था कि देखो हम तुमसे कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम फ्रॉड नहीं है, लेकिन आपको हमारे प्रोडक्ट पहले खरीदने पड़ेंगे और अगर तुमने प्रोडक्ट आगे बेच दिए तो 10% कमीशन और अगर तुमने और बंदे जोड़ दिए तो 20% कमीशन। तो इनडायरेक्टली पैसे ही लेने हुआ भाई, ऐसे गांड में ना दे के ऐसे गांड में दे रहे हो, क्या फर्क है? ये अपने आप को बिजनेस एंटरप्रेन्योर बोलते हैं भाई, सरल भाषा में इसको सेल्समैन बोलते हैं, वो भी किराने के सामान का। और मैंने इस जूम मीटिंग के होस्ट को काफी सारे मैसेजेस किए कि प्लीज मुझे अनम्यूट कर दो, मुझे आपके सर से एक क्वेश्चन पूछना है, लेकिन उन्होंने कहा मैसेज में ही पूछो, क्योंकि उनको पता था ना कुछ उल्टा सीधा पूछेगा और उसके बाद सर से जवाब नहीं बनेगा तो सारी पब्लिक जितनी आई हुई है ब्रेन वॉश होने वो भाग जाएगी। जब इतना डर है तो एक्सेप्ट कर लो ना फ्रॉड हो। इसके बाद मुझे रोज MLM के जो बिजनेसमैन हैं वो रोज टेक्स्ट करके कन्विंस करते थे कि आ जाओ आप बिजनेस स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। अलग अलग तरीके के व्हाट्सएप स्टेटस लगाते थे मेरे जैसे खजूरों के लिए जो इनको लगते हैं कि नए नए बकरे हैं। कभी इनके व्हाट्सएप स्टेटस में स्विफ्ट गाड़ी की PNG और पूरे का पूरा टेम्पलेट सेम होता था, बस साइड में फोटो बदलता रहता था लोगों का। कभी कभी ऑडी और मर्सिडीज की नंबर प्लेट सेम होती है इनके मोटिवेशनल पेजेस पे, लेकिन साइड में फोटो खिंचाने वालों की फोटो बदलती रहती है। इतनी सारी तो इन्होंने गाड़ियां खरीद ली, असल में गाड़ी खरीदने में मेहनत नहीं जा रही, फोटोज को फोटोशॉप करने में मेहनत जा रही है। कभी मेरी कभी उसकी तो कभी उसकी सेम गाड़ी, वो भी अगर नंबर प्लेट कोई चेक कर ले तो 3rd या 4th owner की है वो। लेकिन बंटी तो चूतिया है, बंटी को तो कुछ समझ में आता नहीं है। इवन ये अपनी मार्केटिंग लेवल पे इतने गिर चुके कि इनके व्हाट्सएप ग्रुप में रोहित सरदाना जी की जब डेथ हुई उसके बाद एक पोस्टर सर्कुलेट हो रहा है कि एक न्यूज एंकर जब मरता है उसके मरने के बाद उसकी फैमिली को कितनी इनकम मिलती है, वो जितना काम करके गया उसका कितना प्रॉफिट मिलता है उसके बाद, और जब एक MLM वाला मरता है तो उसकी फैमिली को उसके बाद कितना ज्यादा फायदा होता है, उसकी एक अलग से पैसिव इनकम तब भी आती रहती है। दो लोगों की मौत का भी कंपेरिजन कर रहे हैं अपना बिजनेस चलाने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग वालों की माने तो इनके हिसाब से IAS ऑफिसर भी कुछ नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग वाले आदमी के सामने, क्योंकि एक IAS ऑफिसर क्या है, 24 घंटे काम करता है, सरकारी नौकरी तो है, और कहीं में घूमता है इनोवा में, वो भी सरकार की दी हुई है। लेकिन एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला ना अपनी मर्जी के तो टाइम से काम करता है, अपनी मर्जी का बॉस होता है, और घूमता कौन सी गाड़ी में, ऑडी मर्सिडीज, समझे? UPSC जो कर रहे हैं ना। वैसे ये भी एक फैक्ट है कि जितनी प्रोबेबिलिटी तुम्हारी एक IAS ऑफिसर बनने की है ना, उससे भी कम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेसफुल होने की है। मतलब मेरी लास्ट वीडियो के बाद इन लोगों ने बहुत सारी इंस्टा लाइव की और यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड की ये बताने के लिए कि ये अमीर हैं। मतलब मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसे आदमी देखे हैं जो चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहे हैं कि हम अमीर हैं, हमें अमीर मानो, और तब भी लोग इनको अमीर नहीं मान रहे। वरना मैंने भाई सच में अमीर लोग देखे हैं, स्कूटी पे घूमते हैं, बताते भी नहीं कि अमीर, हमसे पूछ लो और जी काम धंधा कैसे चल भाई। यार भाई कुछ नहीं, बस भाई 2 रोटी के पैसे निकल रहे हैं और बच्चे उनके दुबई ऑडी मर्सिडीज में घूम रहे हैं, और भाई फर्स्ट हैंड ऑडी मर्सिडीज में, उनके बाप ने ही दिला रखे तुम्हारी तरह नहीं। आपने भाई कुछ जवाब भी नहीं दिया, ज्वाइन करना है बिजनेस या नहीं, कोई डाउट है तो बताओ मैं क्लियर कर दूंगा, लॉकडाउन में बेस्ट चीज है भाई। वो एक्चुअली यार मैं कंफ्यूज हो गया था यार, क्योंकि एक तो तुम्हें पता है मैं 12th फेल हूं, और ऊपर से भाई मेरे पास पैसे भी नहीं है। ये क्या बात होगी यार, आप क्यों नहीं कर पाओगे, मतलब 12th फेल, इवन हमारे जो सर हैं वो भी 12th, मतलब 12th पास आउट है, और उन्होंने भी रिसेंटली स्विफ्ट निकलवाई है। 12th पास आउट ने? हाँ जी। तो यार मेरे पास पैसे नहीं है, तो यार मैं क्या ही कर पाऊंगा यार, मैं तुम बता रहे थे कि कुछ सामान वामान खरीदना पड़ेगा। आप एक काम करो ना, आप मेरे को 3800 कर दो, 3800 रुपये कर दो, और उसका आपको स्टार्टर पैक मिल जाएगा, तो आपको फिर प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसी प्रॉफिट निकाल लोगे सबको ज्वाइन करवा के ना। दूसरे लोगों को ज्वाइन कराने से ही खाली? हाँ जी। तो यार मेरे पास 3800 रुपये भी नहीं है ना भाई, मेरे तो गूगल पे में पड़े हैं 1980 रुपये। चलो वही भेज दो, मैं फिर सर से रिक्वेस्ट करके अरेंज कर लेता हूँ। 1980? हाँ। मतलब तुम रिक्वेस्ट करके फिर इतने में ही करवा दोगे डन? हाँ मैं करवा दूंगा इतने में सर से बात करके ना। अच्छा तो यही सेम वाला नंबर है तुम्हारा? हाँ जी भैया। रुको मैं कर दे रहा हूँ 1980। हाँ भाई आगे आगे भैया आगे। अच्छा तो आप श्योर हो मैं अमीर हो जाऊंगा? बिल्कुल 100% सर। और अगर तुम इतने श्योर हो यार, तुम मुझे लिख के दे सकते हो ये चीज? भाई लिख के क्या देना है इसमें, सर की इंस्टा प्रोफाइल नहीं देखी आप, खुद करोड़ों में कमा रहे हैं।
नहीं सर तो करोड़ों में कमा रहे हैं, लेकिन आपको श्योरिटी है ना मेरे ऊपर कि मैं कमा लूंगा 12th फेल होते हुए भी? भाई सब कमाते हैं इस बिजनेस में, क्या लिख के देना, भरोसा करो यार। भाई नहीं एक बार तुम लिख के दोगे तो मतलब जब तुम्हें ऐसे गारंटी लग रही है कि 100% मैं कमा लूंगा तो लिख के दे दो भाई, लिख के देने में क्या जा रहा है भाई, भरोसा करो इस चीज पे, तो लिख के मैं क्या दे सकता हूँ, आप भरोसा करो सर को, देखो उसकी प्रोफाइल देखो इंस्टाग्राम पे, सर करोड़ों कमा रहे हैं, सर इवन 12th पास आउट है और उन्होंने भी रिसेंटली स्विफ्ट निकलवाई है। नहीं भाई सर ने तो कम, यार एक काम करो भाई तुम मेरे पैसे वापस कर दो यार, मैं मतलब अभी भी डाउट में हूँ भाई। ये तो मैंने पैसे सर को ट्रांसफर कर दिए। इतनी जल्दी सर को ट्रांसफर कर दिए? हाँ भाई ये तो साथ साथ ही हो जाता है ना। अच्छा बहुत फास्ट सर्विस है यार, लेकिन भाई मेरा ये रेंट था यार, मैं भाई बहुत गरीब फैमिली से हूँ भाई। भाई ऐसे पैसे वापस नहीं होते यार, आपने शुरू में दिए क्यों भाई तुम? मैं यार मैं वो है ना मेरे अंदर थोड़ा डाउट था तुम्हारी बातों से ना भाई, ऐसा तो मैं तुम आओ जूम मीटिंग पे, आज नेशनल लेवल लीडर आएंगे तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि पैसे मतलब आपके पैसे वेस्ट नहीं हुए, एकदम वर्थफुल है। भाई नहीं पैसे तो वर्थफुल हैं यार, सर तुमने सर को ट्रांसफर कर दिए, जब तुम कह रहे हो तुम भी बहुत कमा रहे हो सर भी कमा रहे हैं यार, तुम मेरे वापस कर दो ना, मुझे भाई रेंट देना है यार प्लीज भाई, वो मकान मालिक डंडा कर देगा भाई। ऐसे तो नहीं हो सकता, आपने फिर स्टार्टिंग में दिए क्यों भाई? मैं ये कॉल है ना तुम्हें बताऊं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और मैं साइबर क्राइम को दूंगा ले जाके। प्रॉपर प्यार से बात कर रहा हूं, तेरे को समझ नहीं आ रहा? पता है तुझे मैं कौन बोल रहा? कौन? यूट्यूब तो देखता होगा। हाँ लक्ष्य चौधरी बोल रहा हूँ। अब ये तो बेचारे इतने बेचैन हो गए, मैंने काफ़ी सारे जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग को डिस कर दिया ना, उसके बाद ये हर किसी को पता है क्या बोलते हैं यूट्यूबर्स को, अबे यूट्यूबर तो खुद चेन मार्केटिंग का हिस्सा है, ये जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो चेन मार्केटिंग के, जो वाओ का मैंने प्रमोशन किया वो भी चेन मार्केटिंग। हाँ भोसड़ी की हर चीज़ चेन मार्केटिंग है, अगर मैं अपनी रोटी में से अपने भांजे वांजे को एक टुकड़ा खिला तो वो भी चेन है, मैंने चेन बना दिया टुकड़ा। भोसड़ी के इससे बाहर दुनिया है कुछ चेन बनाने के बाहर? अबे फ्रंट पैसे लेते हैं ब्रांड से इतने जो तुम्हारी औकात नहीं है, जितने बड़े तुम चेक दिखाते हो ना एक वीडियो के प्रमोशन के ले लेते हैं, लेकिन नहीं तुम्हें हर जगह यही दिखता है कि बस जितने प्रोडक्ट बिकेंगे उसका कमीशन मिलेगा। अबे कमीशन खोरो, कमीशन से बाहर निकलो, इंसान की अपनी वैल्यू होती है, फ्रंट पैसा मिल जाता है उसके बाद चाहे कुछ बिके ना बिके। और जो तुम बोलते हो कि यूट्यूबर अपने सब्सक्राइबर्स का नेटवर्क बना रहे हैं जो भी तुम्हारे लॉजिक है भाई, चलो अगर मैं यूट्यूब से पैसा कमा रहा हूँ ठीक है, तो अगर मैं कोर्स बना के कहने लगूँ ना कि तुम भी कमाओगे, देखो मैंने कमा लिया तुम भी कमाओगे लो कोर्स खरीदो, तब मैं गलत हूँ? चूतिया में किसी का नुकसान नहीं करवा रहा, तुम कह रहे हो कि देखो मैंने तो कमा लिया नेटवर्क मार्केटिंग, तुम भी कमा सकते हो, मुझे देखो मेरे सर को देखो हमारी कंपनी का टर्नओवर देखो, अब मैं कहने लगूँ यूट्यूब का टर्नओवर देख लो यूट्यूब का प्रॉफिट देख लो, चूतिया भाई लंड भक्त आदमी भाई, कितने बड़े क्या ही बोलूं यार इनको, इनकी समझ में नहीं आने वाला। ये एक ऐसा होता है ना, एक इंसान जब झूठ बोलता रहे सुबह शाम झूठ झूठ झूठ, उसके सराउंडिंग में सब झूठे तो वो एक झूठी दुनिया में सच्चाई दिखने लगती है उनको, वो झूठी दुनिया उनके लिए ना वो जो इकोसिस्टम बन जाता है वो सच्चा बन जाता है। मैं हर टाइम सोचने लगूँ ना मेरे पीछे आए ये टेबल नहीं है ये फरारी खड़ी है, इसको है फरारी मेरी फरारी, ये मुझे फरारी लगने लगेगी, वो इनका हाल है। खैर तुम लोग छोड़ो भाई इनको, नेटवर्क मार्केटिंग डिस्कस करेंगे, चेन बनाएंगे, मेरे डिस्कॉर्ड पे आ जाना भाई ठीक है, डिस्कॉर्ड पे चेन बना लेंगे, वहाँ पे भी हम चेन सिस्टम चालू कर रहे हैं पिरामिड स्कीम, डिस्कॉर्ड का लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा और बाकी भी 2-3 अच्छी अच्छी वीडियोज़ के तुम्हें लिंक नीचे मिल जाएंगे, पूरा एकदम कंस्ट्रक्टिव ये चीज़ क्या है तुम जाके उन यूट्यूबर्स की वीडियो देख सकते हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, एक अच्छी वीडियो में भाई।